जशपुर के कांसाबेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दो बदमाशों ने लूट की नियत से बुजुर्ग महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, बुजुर्ग के नाती को भी बेदम पीटा। आरोपियों ने घटना को दिन दहाड़े अंजाम दिया था। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार थे। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पुलिस मुस्तैद हुई और अब आरोपियों की फुटेज CCTV में देखे जाने के बाद उसे खोजने की कोशिश की गई। घटना के पूर्व कांसाबेल के शारदा पेट्रोलियम में पेट्रोल भरवाते वीडियो साफ तौर पर आरोपियों का देखा गया। जशपुर पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की खोजबीन शुरू की। खोजबीन इतनी तगड़ी हुई कि अब दोनों ही आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। SP शशिमोहन सिंह ने बताया कि लूट और हत्या के आरोपी एक झारखंड तथा दूसरा जशपुर जिले का है। घटनास्थल पर मिली बदमाशों की बाइक से पुलिस ने इस जटिल गुत्थी को सुलझाया है। दरअसल झारखंड का बदमाश एक अन्य मामले में जशपुर जिले के जेल में बंद था। यहां पर उसकी मुलाकात जशपुर जिले के अपराधी से हुई। जशपुर जेल में रहकर ही दोनों ने लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। भटाई किला में लूटने के प्रयास के दौरान जो कल हत्या हुई थी, उस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के बाद आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भागा गया था। हमारी टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल के 34 नंबर के आधार पे मोटरसाइकिल के मालिक को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रवि उरांव, जो पहले भी बैंक लूटने के मामले में जेल में बंद था, उस पर हमारी नज़र थी और उसको आधार बना के जब हम लोगों ने अपनी विवेचना शुरू की तो वो गुमला का रहने वाला है। वहाँ से लेकर घटनास्थल तक के बीच में जो 11 पेट्रोल पंप थे, सभी के CCTV फुटेज को खंगाला गया, जिससे हमें एक सुराग मिला कि एक जगह ये कांसाबेल में पेट्रोल भराने आया था वहाँ से। साथ ही उसने उसके हमारी साइबर सेल की टीम की सहायता से भी हम लोगों ने इसमें मदद लिया और जो दूसरा आरोपी है जो इसके साथ में घटना को अंजाम दिया, रत्तूराम, जो उसी गांव बटाई कला का रहने वाला है, इस दोनों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठी की और इसको रात में हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछताछ किया गया, पहले तो इनकार करता रहा लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया तो ये टूट गया और सारी घटना को बताया कि जेल में रहने के दौरान ही इनके बीच में दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद ये प्लानिंग किया गया। पता किया गया कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के बैंक है। इसमें रत्तूराम ने स्थानीय होने के नाते पूरी सहायता किया, दोनों लोग आए और यहाँ पर घटना को अंजाम दिए। इसमें दो आरोपी जो अभी फरार हैं उनके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग लगे हुए हैं, बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।